आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज़ की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज़ दो को कब रिलीज़ किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक को में तीन शुभ को तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज़ किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज़ की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज़ दो को कब रिलीज़ किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहां पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक को में तीन शुभ को तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है।
धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि 3 सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज़ की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज़ किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहाँ पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुक जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अंकित झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहाँ पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की खोद में तीन शुभ को तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि 3 सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज़ किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज़ की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज़ किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के
साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अंकित झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की खोद में तीन उद्देश देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप जरूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जाँच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहां पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अंकित झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की खोद में तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने
में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप जरूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की खोज में तीन शुभ को तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप जरूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे।
यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की खोद में तीन शुभ को तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाती है और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को। न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज़ किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जाँच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहां पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की खोद में तीन शुभ को तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाती है और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को। न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज़ किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें।
फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेष तज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की खोद में तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप जरूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेष तज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहां पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की खोद में तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद की
मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिक का दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि 3 सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप जरूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की में 3 शुभ को 3 उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिक का दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि 3 सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज़ किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहां पे धनंजय डीजे अभिनेता
मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अंकित झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की खोद में तीन शुभ को तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाती है और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को। न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप जरूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जाँच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अंकित झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की खोद में तीन शुभ को तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाती है और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को। न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है।
इसका दूसरा एपिसोड में अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप जरूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की को में तीन शुभ को तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप जरूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहां पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा
विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की में तीन शुभ को तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप जरूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहाँ पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहाँ पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की में तीन शुभ को तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज़ किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है।
फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अंकित झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की खोद में तीन शुभ को तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाती है और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को। न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज़ किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहां पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अंकित झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की खोद में तीन शुभ को तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाती है और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है सीबीआई प्रमुख
शशांक अवस्थी को न्यायिक का दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि 3 सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर 2 इस वेब सीरीज़ की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज 2 को कब रिलीज़ किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की को में 3 शुभ को 3 उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि 3 सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज़ किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर 2 इस वेब सीरीज़ की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज 2 को कब रिलीज़ किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहां पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि
किशोर शुभ दोषी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। वृद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की खोज में तीन शुभ को तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को। न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज़ किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जाँच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पर धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। वृद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की खोज में तीन शुभ को तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को। न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह
अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप जरूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की खोद में तीन शुभ को तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को। न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे न्यायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप जरूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की खोद में तीन शुभ को तीन
उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाती है और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि 3 सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज़ किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जाँच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की में तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाती है और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि 3 सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जाँच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है।
अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की को में तीन शुभ को तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप जरूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जाँच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की खोज में तीन शुभ को तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है।
निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान हैं, जबकि 3 सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज़ किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज़ की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज़ किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जाँच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अंकित झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की खोद में 3 शुभ को 3 उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाती है और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को। न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि 3 सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज़ किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज़ की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज़ किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जाँच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहां पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें
वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अंकित झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की खोद में तीन शुभ को तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाती है और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज़ किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जाँच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पर धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अंकित झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की खोद में तीन शुभ को तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाती है और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की
कहानी इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें। वेब सीरीज 2 को कब रिलीज़ किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमयी शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की में तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाती है और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को। न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर 2 इस वेब सीरीज की कहानी इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज 2 को कब रिलीज़ किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमयी शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहां पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की में तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है।
धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि 3 सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर 2 इस वेब सीरीज़ की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज 2 को कब रिलीज़ किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की को में 3 शुभ को 3 उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि 3 सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज़ किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर 2 इस वेब सीरीज़ की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज 2 को कब रिलीज़ किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के
साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहां पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की खोद में तीन शुभ को तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप जरूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहां पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की खोद में तीन शुभ को तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने
में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप जरूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पर धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप जरूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहां पर धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे।
यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अंकित झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की खोद में तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज़ किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जाँच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहां पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुक जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुक जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अंकित झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की खोद में तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज़ किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें।
फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की में तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज़ किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहां पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की में तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी
मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिक दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि 3 सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज़ किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज़ की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज़ किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जाँच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की में 3 शुभ को 3 उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाती है और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिक दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि 3 सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज़ किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज़ की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज़ किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जाँच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पे धनंजय डीजे अभिनेता
मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की खोद में तीन शुभ को तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज़ किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जाँच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहां पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की खोद में तीन शुभ को तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है।
इसका दूसरा एपिसोड में अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप जरूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है, जहां पर आधारित वसूर एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ से डॉक्टर बने निखिल नायक की कहानी बताई जा रही है। फिल्म के दोनों ही हिस्से इसी के ऊपर केंद्रित है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो में अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। शुरुआत में वह काफ़ी साधारण दिखाया गया है, हालांकि दूसरे सीजन में वह शुरुआत से ही काफ़ी आक्रामक है। अपने पूर्व गुरु धनंजय राजपूत के साथ वह खुद को फंसा हुआ पाता है। एक क्रूर सीरियल किलर के साथ वह चूहे और बिल्ली का खेल खेलने में मजा लेता है। इस फिल्म के पात्र और कलाकारों के नाम इस प्रकार से होंगे, जहाँ पे धनंजय डीजे अभिनेता मुख्य भूमिका में अरशद वारसी होंगे, जिन्होंने दूसरे सीजन में काम किया। दूसरे सीजन में ही निखिल नायर मुख्य भूमिका में वरुण सोपती के तौर पर होंगे, जबकि किशोर शुभ जोशी का पात्र विशेष बंसल का है। अनुप्रिया गोयनिका नैना नायर के भूमिका में होंगी। रिद्धि डोगरा इसमें नुसरत होंगी, जबकि इसमें वयस्क शुभ जोशी को अभिषेक चौहान ने अभिनीत किया है। यह भी मुख्य किरदार दूसरे सीजन के लिए बुलाए गए थे। यह कुछ सितारे थे जो कि सिर्फ दूसरे सीजन के लिए ही इसमें लिए गए थे, जिसमें अनुकृत झा शालिनी होंगी, जबकि अमित आनंद राउत इसमें जगदीश मुंडा है। वृंदा विश्वास्तम इसमें बरखा बिष्ट सेनगुप्ता की अभिनेता के तौर पर नजर आएंगे। इसकी कहानी शुरू होती है मौत का नृत्य से, जहां पर 16 साल पहले की फ्लैशबैक की में तीन शुभ को तीन उद्देश्य देते हुए उनको मारते हुए दिखाया गया, क्योंकि इस यात्रा में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। धनंजय राजपूत धर्मशाला में एक मठ में है, जो इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार होने के अपराध बोध से जूझ रहा है। नैना डीजे का पता लगाते हैं और अपनी बेटी की हत्यारी स्वाति को ढूंढने में उसकी मदद लेने की कोशिश करती है। केशव भारद्वाज की हिरासत बरकरार रखने में कोशिश कर रही है। सीबीआई प्रमुख शशांक अवस्थी को न्यायिका दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है, जो अवस्थी को चेतावनी देता है कि सर्वनाश आने वाला है। नई सीबीआई अधिकारी ईशानी चौधरी को रसूल शेख पर शक होना शुरू होता है। निखिल नायर अपने फैसले से काफ़ी परेशान है, जबकि तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को बचाने में वह अपनी बेटी का बलिदान देने के लिए मीडिया द्वारा उसे नायिका घोषित भी कर देता है। भारत के डिजिटल नेटवर्क को हैक करके ढाका के एक समूह के साथ उसका उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा एपिसोड में अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी कहानियां हैं, जिसे 1 जून 2023 को रिलीज किया गया था। तीसरा एपिसोड इसका जलना जंगला इसका नाम है, जबकि गौरव शुक्ला इसे निर्माण करेंगे। यह अगले दिन यानी 2 जून 2023 को दुनिया भर में प्रदर्शित हुआ है। आज मैं आपको असुर दो इस वेब सीरीज की कहानी, इससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें, वेब सीरीज दो को कब रिलीज किया गया था और इससे जुड़ी कुछ अन्य बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप जरूर देखें। फिल्म का आधार रहस्यमय शहर वाराणसी से शुरू होता है,